No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent. Every man's death diminishes me because I'm involved in mankind. And therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. जॉन डन की कविता से शुरू होती है हिंदुस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट, राइटर और फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास की ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड। और सच में उन्होंने हमेशा अपने हर एक हुनर से दुनिया को जोड़ने की ही कोशिश की है, चाहे वो उनकी साहित्यिक कहानी सरदार जी के जरिए हो या फिल्म नीचा नगर, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक रेलेवेंट है जितनी चंद साल पहले थी। अपने फन के जरिए उन्होंने देश की समस्याओं जैसे सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, इंटॉलरेंस के खिलाफ आवाज उठाकर इंसानियत, प्यार, अमन और चैन की दुनिया की कामना की, ठीक जैसे देश के उस वक्त के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था। पंडित नेहरू और अब्बास साहब के बीच उस दौर में कई मुलाकातों का सिलसिला हुआ, जिसका जिक्र अब्बास साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में माई लॉन्ग लव अफेयर चैप्टर में किया है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन के सौजन्य से उन्हीं मुलाकातों की झलकियां इस 6 एपिसोड की पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर एक नेता और एक कलाकार के बीच किन मुद्दों पर गुफ्तगू हुई, चलिए सुनते हैं कुछ यादें, कुछ मुलाकातें। मेरा इश्क दराज। मैंने जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू को देखा तो पहली नजर ही में उनसे मुझे इश्क हो गया। मैं बंसल सिनेमा के नाम से जाने जाने वाले मकामी सिनेमा घर की टीन की छत के नीचे बैठा हुआ था और वो एक न्यूज रील के स्क्रीन पर मौजूद थे। ये वाकया इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के कई माह बाद का है। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित मालवीय, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस के बरखिलाफ इकहरे बदन के नौजवान को सफेद घोड़े पर सवार होकर आते हुए देखना इस कदर पुरलुत्फ ताज्जुब खेज था कि मैं देखता ही रह गया। मैंने बगैर सोचे समझे ही खुद से कहा कि ये है मेरा रहनुमा, मेरा साथी, मेरा महबूब। सिनेमा घर के अंधेरे में मैं किसी लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर नहीं बैठा हुआ था। ऐसा मौका लगता ही कहां था। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी होता तो भी मैं उसकी नर्मो नाजुक गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर तालियां बजा रहे दर्शकों में शामिल हो गया होता। ये था वो शख्स जिसने रावी किनारे मुकम्मल आजादी का परचम बुलंद किया था। उसकी शख्सियत में भी जांबाजी और जादूगरी थी और उसके अल्फाज में भी, और हिंदुस्तानी नौजवानों की पूरी नस्ल सफेद घोड़े पर सवार उस नौजवान की शैदाई थी। हम उससे पागलों की तरह मोहब्बत करते थे, मगर इस पागलपन का भी एक सलीका था। जर्नलिज्म के शुरुआती दौर में डेली न्यूज़पेपर नेशनल कॉल के J.N. सहानी की शागिर्दी में काम करते हुए मुझे जवाहरलाल नेहरू के चर्चित मजामीन एसेज विदर इंडिया की एडिटरशिप का शर्फ हासिल रहा है। तब से मैं जवाहरलाल नेहरू को अपनी मिल्कियत के तौर पर देखने लगा था, जैसे वो मेरा अपना हो। मुझे यकीन है कि उन मजामीन ने उन हजारों हजार नौजवान लड़कों और लड़कियों के दिलों में भी यही एहसास पैदा किया था जिन्होंने उन मजामीन को अखबारों में अजाबाद किताबी सूरत में पढ़ा था, क्योंकि उसने उस चीज को जबान अता कर दी थी जो हम गैर वाजे तौर पर महसूस कर रहे थे।
जहन के इसी आलम में एक दिन आधी रात को हम अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी कर रहे थे कि हमें मालूम हुआ कि कल सुबह कलकत्ते मेल पर दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे जवाहरलाल अलीगढ़ से गुजरेंगे। आह, उस रात हम चार लोग वहाँ पर थे। नफीस अहमद, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थे, सिप्ते हसन थे, जिनको आप रूसी कहिए या कम्युनिस्ट, वो अब पाकिस्तान के कराची शहर में रहकर अदब के ज़रिए कम्युनिज्म की तबलीग कर रहे हैं, अंसार और मैं। स्थानीय कांग्रेस कमेटी उनके वेलकम का इंतज़ाम कर रही थी। किसी ने मशवरा दिया कि हम अलीगढ़ से पहले एक स्टेशन खुर्जा चले जाएं। वहाँ पर भीड़ के निस्बत कम होने का इम्कान था। वहाँ से हम रेल पर सवार होकर अलीगढ़ तक पंडित जी के साथ सफ़र करें और उनसे उन तमाम सवालों का जवाब तलब करें जिनके लिए हम तड़प रहे थे। हमने खुर्जा के लिए एक सुस्त रफ्तार गाड़ी पकड़ी और सुबह तकरीबन 5 बजे वहाँ पहुँच गए। हमें दिल्ली से आने वाली गाड़ी के लिए 3 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। ये वक्त हमने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और उनसे पूछे जाने वाले सवालों की मशक करते हुए गुजारा। सर्दी का मौसम था। 9:30 बजते हमें प्लेटफॉर्म पर गांधी टोपियों का मजमा दिखाई दिया। लोग हाथ में कौमी तिरंगा लिए हुए थे। हम उस मजमे में घुस गए और प्लेटफॉर्म के सिरे पर जा खड़े हुए। अपने मुकर्रर वक्त पर गाड़ी आई तो एक छोटी सी भीड़ उस तरफ से आगे बढ़ी, गोया हमें गाड़ी के पहियों के नीचे धकेल देगी। हमें मायूसी हुई कि जवाहरलाल फर्स्ट क्लास के डिब्बे में थे और उनके हमराह थे डॉक्टर सैयद महमूद और उनके सेक्रेटरी उपाध्याय जी। स्थानीय कांग्रेस के सदर ने उनकी गुलपोशी की। मशीन की तरह लोगों ने जवाहरलाल की जय और डॉक्टर महमूद की जय के नारे बुलंद किए और फौरन ही गार्ड ने सीटी बजा दी। बिल्कुल आखिरी वक्त पर हम किसी तरह डिब्बे में दाखिल होने में कामयाब हो गए। अब आखिरी बार जब उन्होंने खिड़की पर से अपना चेहरा अंदर घुमाया और हम लोगों से बैठ जाने के लिए कहा तो मैं उस शख्स से रूबरू था जो मेरा देवता था, मेरा आदर्श था, जिससे मुझे मोहब्बत थी और इस वक्त जिससे मुझे नफरत हो रही थी कि वो लोगों का खून चूसने वाले, उनका शोषण करने वाले बुर्जुआओं की तरह फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है। उन्होंने हमारी सियाह शेरवानी और उनके कॉलर पर लगी यूनिवर्सिटी की कलगी देखी तो आप अलीगढ़ से हैं, आप लोग खुर्जा में क्या कर रहे हैं? पंडित जी, हम आपसे मिलने के लिए आए थे। महमूद, सुना तुमने? अलीगढ़ के तोलबा हमसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी से भाग आए हैं। डॉक्टर महमूद खामोशी से मुस्कुराए मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, हिचकोले खाती हुई, हमको झटके देती हुई। हम में से 2 लोग सामने की सीट पर बैठे हुए थे और मैं उसी बर्थ पर था जिस पर जवाहरलाल बैठे हुए थे। अभी तक मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा था। मैं तो अभी तक उनके खूबसूरत कदोखाल, खानदानी चेहरे और तोते जैसी नाक पर मोहित था। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उनका कद इस कदर दराज नहीं था जिस कदर उनकी तस्वीर में दिखाई देता है। बिलाखिर मैंने बगैर सोचे समझे एक ऐसा सवाल दाग दिया जो मेरे जहन में मौजूद उन तमाम सवालात को पीछे धकेल कर आगे आ गया था जिनकी प्रैक्टिस मैं और मेरे साथी रात भर करते रहे थे। पंडित जी, आप फर्स्ट क्लास में सफ़र क्यों कर रहे हैं? हत्ता कि मैं एक बागी मार्क्सिस्ट के मेरे दोनों साथी मेरी इस गुस्ताखी पर बगलें झांक रहे थे। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर अपने दोनों हमसफर की तरफ देखा, इसलिए कि हमें गाड़ी में कहीं जगह नहीं मिली और इसलिए भी कि हमें तन्हाई चाहिए थी।
हमें बहुत सी चीजों पर बात करना है। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हुआ, लेकिन ये वजह काबिल कबूल थी। गांधी जी को हमने दूर से देखा था, वो तीसरे दर्जे में सफ़र करने के हक में थे। यही वजह थी कि वो आवाम से ज़्यादा करीब थे। यकीनन नेहरू उसे पढ़ सकते थे जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा होता था। क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा, आप महात्मा जी के बारे में सोच रहे हैं? जी जी हाँ, मैं महात्मा का मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकता। आई सपोज आई एम टू मच ऑफ अ पेटीट बुर्जुआ येट। आई हैव नॉट येट सफिशिएंटली डीक्लास्ड माई सेल्फ। सीधे सीधे किया गया यह एतराफ कि मैं मामूली सा बुर्जुआ हूं और मैं अभी तक खुद को लाजमात नहीं कर सका हूं, बेहतर जवाब था। कम अज कम वो इंकलाब की जबान तो बोल रहे थे। डिब्बे में फिर खामोशी छा गई। गाड़ी दौड़कर फासले को कम करती रही। छुक 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 छुक। मालूम पड़ रहा था कि गाड़ी के पहिए भी इंकलाब का गीत गा रहे हैं। इंकलाब 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 इंकलाब। वो नेहरू जिसने सारे देश की जलती उमंगों को हंसी ख्वाबों की सूरत अपने पलकों पे सजाया था, वफा के प्यार के तरशे हुए अनमोल हीरों से नई तारीख के माथे को इतना जगमगाया था, लहू से शोक किरणों की नई फसलें उगाई थीं, शहर की आरजू बनकर शहर के साथ आया था, उभरते हौसलों को एतबारे जिंदगी देकर जमी पर आसमानों की बुलंदी को झुकाया था, गुजरते काफले को वक्त की शादाब राहों में फरोगे हुस्ने मुस्तकबिल का आईना दिखाया था। वो नेहरू मर गया, लेकिन वो नेहरू मर नहीं सकता। जो दिल के साथ धड़के, आंसुओं के साथ लहराए, ख्यालों फिक्र के खिलते हुए लाखों दरीचों से, ख्यालों फिक्र के खुलते हुए लाखों दरीचों से उम्मीदों का सवेरा बनके अपना नूर फैलाया, नजर आए वही मानूस चेहरा फिजाओं में, नजर आए वही मानूस सा चेहरा फिजाओं में, वही आवाज जादू बन के सीनों में उतर जाए, न टूटे एतबारे रोज शब का सिलसिला हरगिज, न कोई बाग वीरा हो न कोई फूल मुरझाए, वजमत वो उजाला वो सदा वो याद जिंदा है, वो अजमत वो उजाला वो सदा वो याद जिंदा है, तो फिर ए मौत ऐसे में तेरा क्यों कर यकीन आए, तो फिर ए मौत ऐसे में तेरा क्यों कर यकीन आए। खुर्शीद अहमद जामी की ये नज़्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम।